नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, कल और परसों दो दिन बड़ा त्यौहार, हिंदू धर्म हिंदू मान्यता के हिसाब से भगवान शिव शंकर शिव जी की जयंती महाशिवरात्रि का त्यौहार है। और इस अवसर पर वसई में शिव जी का एक बड़ा मंदिर है तुंगारेश्वर में, जहाँ लाखों की तादाद में भक्त अपने भगवान के दर्शन करने आते हैं। पिछले दो साल कोरोना में थोड़ी पाबंदियाँ थी, लेकिन इस साल कोई पाबंदी नहीं है। और उम्मीद है कि जैसा मैंने अभी कहा, लाखों की तादाद में पहले भक्त आते थे, और इस साल भी 2.5 लाख से ज़्यादा तादाद में पब्लिक आने वाली है, ऐसी पूरी की पूरी उम्मीद है और आनी ही चाहिए। तो हमारे साथ इस समय वसई विरार महानगर पालिका परिवहन समिति के सभापति जो है धनंजय गुप्ता जी, इनको भरत गुप्ता नाम से भी जानते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी आप भाविकों को देने वाले हैं कि जो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वसई विरार महानगर पालिका ने इस मौके पर, इस महाशिवरात्रि पर्व के ध्यान में रखते हुए, महाशिवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए, अपनी जो बस सेवा है उसको दो दिन के लिए कुछ स्पेशल एक्सटेंड किया है। उसकी पूरी जानकारी भी माननीय सभापति जी देंगे। भरत जी नमस्कार। नमस्कार भरत सर, क्या जानकारी है बताइए। 17 और 18 तारीख, 18 तारीख को महाशिवरात्रि है। वसई विरार शहर महानगर पालिका में तुंगारेश्वर नाम का जो तीर्थ स्थल है, वहाँ पे दो साल कोरोना जाने के बाद ये मौका आया है, तो 2.5 लाख के करीब लोगों के आने की, भक्तों के आने की उम्मीद है। इसको ध्यान में रखते हुए परिवहन समिति, वसई विरार शहर महानगर पालिका परिवहन समिति ने वसई रोड, नाला चोपारा, विरार और सिरसाट फाटा, ऐसे 4 जगह से तुंगारेश्वर जाने के लिए बस की विशेष सुविधा की है। ये बस 17 तारीख को दोपहर को 2 बजे से शुरू होगी, 18 तारीख को रात को 11-12 बजे तक, जब तक आखिरी भक्तगण बाहर नहीं आ जाते हैं तब तक ये सुविधा रहेगी। तो इसमें कुल मिलाकर 1100 ट्रिप्स हमारी नियोजन है, बशर्ते कि ट्रैफिक कंजेशन न हो। ट्रैफिक कंजेशन नहीं होने के लिए वालियो पुलिस स्टेशन और पेल्लार पुलिस स्टेशन द्वारा मदद की मांगी है, और उन्होंने भी 100 पुलिस कर्मियों का बंदोबस्त किया है कि भक्तों को सुचारू रूप से महादेव जी के दर्शन हो और लोग अच्छे से आनंद पूर्वक ये दर्शन का लाभ उठा सकें। उसके साथ साथ सीताराम बापा मंदिर, सीताराम बापा आश्रम तक स्टेशन हाईवे से, वहाँ के बीच में जो कुछ छोटे मोटे हाथगाड़ी वाले वगैरह हैं, इनको 1.5 दिन के लिए, जिनका टेम्पररी बिजनेस है, रोज आते हैं रोज जाते हैं, उनको 2 दिन के लिए वहाँ से हटा दिया जाएगा, जिससे कि हर व्यक्ति ढंग से उधर जा सके और आ सके। हमारे तालुका में 3 MLA हैं, और हितेंद्र ठाकुर, सतीश ठाकुर और राजेश पाटिल, तीनों के क्षेत्र के अंदर, तीनों की तरफ से वहाँ भक्तगण आने वाले हैं। उसके सिवा ठाणा, भिवंडी, कल्याण, मुंबई, ऐसे अलग अलग जगह से लगभग 2.5 लाख लोगों की हम उम्मीद करते हैं। तो इनको सुचारू रूप से करने के लिए वहाँ की साफ सफाई महानगर पालिका के थ्रू की जा रही है, अनिल पवार जी ने उसमें अच्छा सहयोग दिया है। उसके अलावा फायर इंजिन शंकर भगवान के मंदिर के पास एक खड़ा रहेगा, उसी के साथ स्वास्थ्य के लिए सुविधा केंद्र एक शंकर मंदिर के पास और एक नीचे सीताराम बापा मंदिर के पास, यहाँ 2 जगह स्वास्थ्य केंद्र भी रहेंगे। पानी पीने की, पानी की व्यवस्था मुहैया की गई है। उसी के साथ में जो शंकर मंदिर का जो देवस्थान है, जो उनका जो कमेटी है, कमेटी तरफ से फल फूल, फल छाछ और कुछ चीज़ों का बांटेंगे भक्तगणों को, फल होगा, छाछ होगा, पानी होगा, ऐसी चीज़ें वो बांटी जाएगी। इसमें आमदार, तीनों आमदार और हमारे बहुजन विकास आड़े के कार्यकर्ता प्लस सभी पक्षी के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, लोगों को अच्छे से सेवा मिले। मैं सभी नागरिकों को नम्र निवेदन करता हूँ, वसई स्टेशन से हर 3 मिनट में,
पूर्व से, बस स्टेशन पूर्व से हर 3 मिनट में, नाला सोपारा से हर 5 मिनट में, विरार से हर 20 मिनट में और सिरसाट से हर 20 मिनट में अखंडित रूप से ये सेवा है। आप अवश्य इसका लाभ लें और आप अच्छी तरह आएँ, यहाँ स्वागत है आपका। दर्शन करके आप खुशी, आनंद और भगवान का आशीर्वाद लेकर जाएं, इतना ही मैं बोलता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। गुप्ता सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है, एक ही सांस में आपने सब चीज़ों का विवरण कर दिया। लेकिन एक छोटा सा सवाल है मेरा खाली, कि आपने पूर्व का जिक्र किया, पश्चिम से भी ये सुविधा है? नहीं, ये पूर्व से ही है, क्योंकि पश्चिम से हर स्टेशन में, पश्चिम से पूर्व आने के लिए जो समय लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। और दोनों तरफ, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति आती है तो उसको पूर्व में जाने के लिए, और अधिकतर लोग ट्रेन से आते हैं। जो गाँव वाले हैं, थोड़ी देर के लिए जो वसई गाँव है, भुई गाँव है, कलम है, यहाँ के लोग, मैक्सिमम लोग खुद के वाहन से ही जाना पसंद करते हैं, बहुत कम लोग हैं। तो इनके लिए ये 3 जगह 4 जगह से हमने किया हुआ है। मतलब अगर कोई ऐसा स्पेशल है तो वो फुट ओवर ब्रिज से ईस्ट में आएगा उनको? हाँ, या रेलवे के इससे आकर भी वो ईस्ट में जा सकता है। अक्सर ईस्ट में जाने वाले पूर्व से ही जाते हैं। तो ये माननीय गुप्ता साहब ने ये एकदम विस्तार में पूरी जानकारी दी कि क्या किस तरह से बसों का नियोजन है। 4 पॉइंट इन्होंने बताया, वसई, नाला सुपारा, विरार और शीर्षाट फाटा। इन 4 पॉइंट से बसें निकलेगी जो तुंगारेश्वर महादेव मंदिर के जो गेट है, जहां तक बसों को ले जाया जा सकता है, वाहनों को प्रवेश दिया जा सकता है, वहां तक जाएगी और वहां से आगे फिर जैसा बंदोबस्त पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका करेगी वो आगे देखा जाएगा। तो आप लोग जरूर इस सेवा का लाभ लें, क्योंकि इन 2 दिनों में ट्रैफिक काफ़ी होने वाला है। एक संभव सी बात है, इतना बड़ा त्यौहार है, इतनी बड़ी पब्लिक जब जमा होने वाली, तो ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ऐसे में इन्होंने तो अभी बताया, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप रिक्शा या 2-व्हीलर या 4-व्हीलर को अवॉइड करके महानगर पालिका की सेवा को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि उससे ट्रैफिक में थोड़ी कमी हो जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, और आप सभी को हमारी तरफ से महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।